दोस्तों आप सब, मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम बात करेंगे हैमिल्टोनियन सर्किट या फिर हैमिल्टोनियन साइकिल किसको बोला जाता है, क्या है हैमिल्टोनियन ग्राफ, को किस तरीके से पहचानेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। शॉर्टकट ट्रिक यहां पे वैसे तो नहीं है कोई शॉर्टकट ट्रिक, लेकिन ठीक है मैं कोशिश किया हूं कि काफ़ी यहां पे खोजबीन करके आपके लिए यहां पे शॉर्टकट ट्रिक भी यहां पे ढूंढ के लाया हूं, लेकिन तो भी इसका जो अप्रोच है सही अप्रोच वो अपने को आना चाहिए, ये मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए हैमिल्टोनियन साइकिल या फिर हैमिल्टोनियन सर्किट, तो ऐसा पिछले वीडियो में हमने देखा था यूलर सर्किट और यूलर ग्राफ के बारे में। तो ऐसा ग्राफ जहां पे यूलर साइकिल हम लोग को मिलता था वो हम लोग का यूलर ग्राफ हो जाता था, और किस तरीके से उसका शॉर्टकट ट्रिक मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से बता दिया था। तो किसी भी एक ग्राफ में यूलर सर्किट निकालना, यूलर ग्राफ पहचानना सबसे आसान काम है, वो तो हमने सीख लिया है, लेकिन हैमिल्टोनियन ग्राफ पहचानना इतना आसान काम नहीं है। तो देखिए हैमिल्टोनियन सर्किट या फिर हैमिल्टोनियन साइकिल का आइडिया क्या है, हमने यूलर ग्राफ में अच्छे से जाना है। हम लोग को वहां पे क्या करना होता था, हम लोग को वहां पे हर एक एज को आपको ट्रेवर्स करना है, एक ही बार ट्रेवर्स करना है, आप नंबर ऑफ वर्टिसेस को एक से ज्यादा बार ट्रेवर्स कर सकते हो। लेकिन यहां पे वर्टेक्स पे भी वो क्या कर दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया और बोलता है कि भैया आपको इस बार वर्टेक्स को भी एक ही बार ट्रेवर्स करना है और सारे के सारे सिर्फ वर्टेक्स को आपको यहां पे ट्रेवर्स मानना है, भले एज छूट जाए तो छूट जाए। तो ये आइडिया है, ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो एक बार रीड करते हैं। In a connected graph, Hamiltonian cycle is defined as a closed walk. वहाँ पे भी closed walk था। Edge यहाँ पे repeat तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि closed walk है, ठीक है? That traverses every vertex of G exactly once. तो यहाँ पे edge जरूरी नहीं है। अपने को edge हर एक edge को traverse करना जरूरी नहीं है, लेकिन repeat नहीं मार सकते edge को, ठीक है? और vertex को भी हम लोग को यहाँ पे एक ही बार traverse करना है और सारे के सारे vertex को traverse करना है, except starting और ending vertex. क्योंकि starting और ending vertex मतलब जहाँ से हम लोग स्टार्ट करें वहां पे तो अपने को खत्म करना होगा, तो अपन उसको तो दो बार ट्रेवर्स किए, लेकिन उसको छोड़ के बाकी जितने भी वर्टेक्स हैं उसको हम लोग को क्या करना है, एक एक बार ट्रेवर्स मानना है, ठीक है? और ऐसा अगर साइकिल हमारे ग्राफ में है तो उसको मैं बोलूंगा हैमिल्टोनियन सर्किट या फिर हैमिल्टोनियन साइकिल, ठीक है? आइडिया समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं जिससे हमारा आइडिया और क्लियर हो। अब ये रेड पेन से जो लिखा है उसको भूल जाइए, वो बाद की बातें हैं। अब देखो यहां पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को ये 1 2 3 7 4 5 6 सबको एक एक बार ट्रेवर्स करना है, कुछ नहीं एकदम बच्चों ऐसे खेल खेलना है। देखिए कहीं से भी आप स्टार्ट कीजिए, मैं यहां से स्टार्ट किया, ठीक है? फिर मैं यहां पे गया, फिर मैं इधर गया, ठीक है? बहुत बढ़िया। फिर मैं इधर गया, फिर ये इस तरीके से इधर जाके फिर मैं वन पे पहुंच गया। आप देख सकते हैं बस अपने को क्या करना है, इनको बस ट्रेवर्स करना है, भले कोई एज छूट जाए तो छूट जाए, मैं एक एज को यहां पे एक से ज्यादा बार ट्रेवर्स नहीं किया हूं और सारे के सारे वर्टेक्स को कवर मार दिया हूं। इसका मतलब ये क्या है, मेरा हैमिल्टोनियन साइकिल है। बहुत बढ़िया। यहां पे देखते हैं, अब 1 से स्टार्ट करता हूं तो 1 से मैं गया 2, 2 से गया मैं 3, 3 से गया मैं 7, 7 से अगर मैं इधर जाता हूं, चाहे मैं इधर जाऊं चाहे इधर जाऊं, मेरे को वापस लौटना ही होगा क्योंकि आप देख सकते हो। और अगर मैं इधर पे आ गया तो मैं दो बार इसको ट्रेवर्स मार दिया, इसका मतलब यहां पे ये हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं हो सकता। आप चाहो तो और भी ट्राई करके देख सकते हो सीक्वेंस, मैं काफी कोशिश कर चुका हूं, मेरे को नहीं मिला, ठीक है? बहुत बढ़िया। अब यहां पे और देखते हैं हम लोग, 1 से मैं गया 2 में, ठीक है? बहुत बढ़िया। फिर 2 से मान लेते हैं 7 गया, 7 से मान लेते हैं 6 गया, फिर यहां से इधर गया, ठीक है? तो यहां पे काम नहीं बन रहा है। फिर आप सोच रहे होगे कि ठीक है कि मैं अगर इधर से मान लीजिए इस तरीके से जाता, 1 से जाता 7, 7 से 2, 2 से आता 3, 3 से आता 5, तो वापस भी आपको आना पड़ता, ठीक है? वापस आना पड़ता, जो कि मैं नहीं कर सकता, वापस नहीं आ सकता क्योंकि एक वर्टेक्स को एक ही बार ट्रेवर्स करना है। यहां पे भी मेरा हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं मिलेगा। और आप देख सकते हो ये क्या है, मेरा आर्टिकुलेशन पॉइंट है। आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या होता है, अगर मैं इसको यहां पर से डिलीट करता हूं इस वर्टेक्स को, तो ये पूरा ग्राफ जो है डिसकनेक्टेड हो जाएगा, अलग अलग कंपोनेंट्स में टूट जाएगा। तो इसके बारे में मैं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम वाले अनअकैडमी में कोर्स में काफी कुछ बताया हूं आर्टिकुलेशन पॉइंट के बारे में। तो अगर आपको मेरा कोर्स को फ्री में करना है तो मुझे जरूर फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी में, डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम का कंप्लीट गेट का कंप्लीट क्रैश कोर्स है, आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, प्रमोशन बहुत हो गया। अब देखो यहां पे भी अपने को फिर से वही काम करना है, 1 से मान लीजिए मैं गया 2, ठीक है? 2 से मान लीजिए मैं गया 8 और 8 से गया 7, ठीक है? कहीं भी आप जा सकते हो, 7 से गया इधर, 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 इधर से गया इधर, ठीक है? ठीक वाला सीक्वेंस नहीं फॉलो किया मैं, ठीक है? और कोई सीक्वेंस ट्राई करते हैं। 1 से मान लेते हैं हम लोग गया मैं 7, मैं थोड़ा इस बार डार्क करता हूं, 1 से मैं 7, 7 से मैं गया इधर, इधर से मैं गया इधर, ठीक है? फिर मैं इधर से होते हुए इधर आया, फिर इधर से मैं गया इधर, ठीक है? ये वाले को भी ट्रेवर्स मार दिया, ठीक है? बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर मैं गया इधर, ठीक है? बहुत बढ़िया। फिर मैं इधर गया, फिर इधर जाते हुए इधर से लेके इधर से मैं पहुंच गया 1 पे। आपको आइडिया समझ में आ रहा होगा, मैं हर एक वर्टेक्स को यहां पे ट्रेवर्स कर लियो, एकदम बच्चों वाला खेल है, बस आपको खेल खेलना है और आपको पहचानना है। आपको बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा एग्जाम में, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा ताकि आप विद इन 30 सेकंड उसका आंसर ले आ पाए, ठीक है?
अब मैं इधर अगर देखता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर से मैं कहीं पे भी ट्रेवर्स करूँ तो मेरे को यहाँ पेंडेंट वर्टेक्स है, तो मैं वापस मेरे को जाना होगा। इसका मतलब यहाँ पे मेरा हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं मिलेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हुए हैं जो कि आपके एग्जाम में कभी ना कभी आया हुआ है या फिर बहुत इंपॉर्टेंट है या आ सकता है। एक ये पॉइंट लिखा है कि मैं इसको शॉर्टकट ट्रिक तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आप एक शॉर्टकट ट्रिक के जैसे इसको समझ सकते हैं कि ये एक सफिशिएंट कंडीशन है। अगर n वर्टिसेस का ग्राफ है और हर एक वर्टेक्स का अगर आप डिग्री निकालते हो और उसको डिवाइड बाय 2 करते हो और हर एक वर्टेक्स का अगर ग्रेटर देन इक्वल टू n बाय 2 हुआ, तो आप बिना कुछ सोचे समझे वहां पे बोल देना कि वो हैमिल्टोनियन साइकिल होगा वहां पे। ये मेरी सफिशिएंट कंडीशन है लेकिन नेसेसरी कंडीशन नहीं है। अगर ये मेरे को मिल जाता है कहीं पे तो मैं उसको बोलूंगा हाँ भाई तू हैमिल्टोनियन साइकिल मिल जाएगा, वहां पे हैमिल्टोनियन साइकिल होगा, लेकिन ये नहीं बोलूंगा कि ये ही होगा। तो ठीक है, आपका आइडिया समझ में आ रहा होगा। तो ये मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन मैं बहुत खोजबीन करके इसको शॉर्टकट ट्रिक निकाला हूं, लेकिन ठीक है अपन ऐसे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत काम का चीज है। अगर हम लोग के पास जी अनडायरेक्टेड ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ है और हमारे वर्टिसेस वहां पे n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो नंबर ऑफ डिफरेंट हैमिल्टोनियन साइकिल कितने मिलेंगे। बहुत ही बेहतरीन फॉर्मूला है n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2। ये किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ था इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया, इसको आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं, काफी इतना। ठीक है, बहुत बढ़िया। कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं जिससे हमारा आइडिया और बेहतर हो और क्लियर हो। तो देखिए फिर से वही अप्रोच है, एकदम जल्दी जल्दी खेल खेलना है, बस 1 से चालू किए कहीं से भी अपने को। यहां पर से अगर मैं चालू करता हूं 1 में, ठीक है, सबसे पहले एक काम करता हूं मैं इधर जाता हूं। ठीक है, 1 से गया मैं 6 से गया मैं मान लीजिए 4। ठीक है, 4 से गया मैं, अगर मैं जाता हूं इधर गया तो भी मेरे को वापस आना पड़ेगा, और 5 में भी गया तो भी मेरे को वापस आना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, यहां पे मेरे को हैमिल्टोनियन साइकिल नहीं मिलने वाला। बहुत बढ़िया। अब इसमें देखते हैं हम लोग, 1 से गया मैं 2 गया, ठीक है, फिर मैं यहां पे 7 को भी मार देता हूं, फिर यहां पर से 3 को भी मार दिया, फिर यहां पे 4 दिख रहा है इसको भी मार दिया, फिर मैं गया 6 इसको भी मार दिया, 6 उसके बाद 5 को भी मार दिया, और उसके बाद फिर मैं पहुंच गया 1 में। ये हमारा हैमिल्टोनियन साइकिल है। बहुत बढ़िया। और यूलर साइकिल निकालना तो अपने को बहुत अच्छे से आता है, और डिग्री का वर्टेक्स फाइंड कर लो, और अगर मिल गया तो यूलर साइकिल नहीं है। ठीक है, वो तो अपने को आता है। ठीक है, यहां पे फिर से पेंडेंट वर्टेक्स है, ये तो नहीं होगा, देख के ही बता सकता हूं। ठीक है, आप ट्राई कर लेना ये वाले स्टार ग्राफ में भी। ठीक है, अगर मैं 1 से गया 2 से गया 5 तो मेरे को वापस आना पड़ेगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अगर यहां पे देखा जाए तो अगर मैं 1 से गया 8 से गया 7 से गया 2 से गया मैं 3 से गया 6 फिर 5 फिर 4 बिल्कुल यहां पे मैं सारे वर्टेक्स को कवर कर लिया हूं, हैमिल्टोनियन साइकिल है यहां पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर यहां पे देखते हैं 1 से अगर मैं गया 2 से गया मैं 3 से गया 4 को भी मारा, फिर 5 को भी मारा, फिर यहां पर से 6 को भी मार लेते हैं, 7 को भी मार लेते हैं, 8 को भी मार लेते हैं और घर पहुंच जाते हैं। तो ये भी मेरा हैमिल्टोनियन साइकिल है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पे देखते हैं 1 से अगर मैं गया 6 से मैं चले आता हूं यहां पे 2 से, एक मिनट, अपने को वापस भी लौटना है तो अभी मैं 2 को ट्रैवर्स नहीं करता हूं। ठीक है, इसको अभी मैं ट्रैवर्स नहीं किया हूं, तो मैं इधर गया 5 के बाद मैं गया 4 के बाद फिर मैं 2 के पास गया, फिर मैं 1 गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पे कॉम्बिनेशन लगा सकते हो और आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये हैमिल्टोनियन साइकिल है कि नहीं है। बहुत बढ़िया। तो ये भी हम लोग का हैमिल्टोनियन साइकिल है यहां पे। अब ये वाला देख लेते हैं। अब देखो यहां पे 6 से मैं गया 1 से मैं गया मान लेते हैं 7। ठीक है, उसके बाद फिर मैं इधर से इधर गया, फिर 5 गया, फिर इधर जाते हैं, फिर इधर जाते हैं। ठीक है, इधर गए, उसके बाद फिर ये 2 पे गए, उसके बाद फिर 1 पे आ गए। तो यहां पे सारे वर्टेक्स को ट्रैवर्स कर लिया हूं, इसका मतलब हैमिल्टोनियन साइकिल है यहां पे। बहुत बढ़िया। फिर यहां पे देख लेते हैं 1 से मान लीजिए मैं गया 2 से गया मैं मान लीजिए 3, फिर 3 से मान लीजिए मैं गया 4 से मैं मान लीजिए, इसमें एक काम करते हैं, 5 से मेरे पास रास्ता है सीधा 1 पहुंचने का, तो मैं 5 पे लास्ट में जाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं एक काम करता हूं, पहले मैं 1 से लेके 8 जाता हूं, इस बार मैं डार्क कर रहा हूं ना, ठीक है, आप समझ जाना। 1 से पहले मैं 8 गया, 8 से फिर मैं 7 गया, 7 से मैं 6 गया, 6 से मैं फिर इधर जाते हुए 2 गया, 2 से मैं इधर पूरे तरीके से मार दिया इन लोग को, यहां पे भी गया, फिर मैं 5 में गया, फिर 5 से होते हुए और 1 पे पहुंच गया। तो यहां पे भी आप देख सकते हो यहां पे हैमिल्टोनियन साइकिल मेरे को मिल गया है। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से हम लोग यहां पे हैमिल्टोनियन साइकिल ढूंढ सकते हैं। एकदम बच्चों वाला खेल खेलना है, बस यहां पे गोदागादी करना है और आपको आंसर आपके सामने होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूं, अगले वीडियो मिलते हैं जहां पे हम लोग अपने ग्राफ थ्योरी का कांसेप्ट और आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और शॉर्टकट ट्रिक्स जानेंगे। थैंक यू।